असी उस लकड़ी तो बिना ही चंगे सानू दारू का फ्लेवर नहीं चाहिए ये तो नहीं चाहिए दोस्तों स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरी कुकिंग चैनल में डिटेल में है। ये जो पास्ता है मेरा क्लासिक है, हिम्मत को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है और ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो उसमें मैं पारमेसन चीज ऐड करती हूँ थोड़ा और जल्दी से रेसिपी देख ले सिमॉर्गन कुक पे एंड दैट्स इट। यही हमारा लंच एंड हमारा डिनर होने वाला है। ओके सो मैं एडिट कर रही हूँ मेकअप किट वाली वीडियो एंड मैंने ये ब्लाइंड करके रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है आज और हस्बैंड कुछ कर रहे हैं उनको। ओके लेट मी शो इट टू यू गाइस। हस्बैंड ना बारबेक्यू करने वाले हैं, चिकन विंग्स एंड छलियाँ बनाने वाले हैं और आज वो बारबेक्यू कर रहे हैं कोयले वाले पे। मैं जा रही हूँ डांस स्टेयर मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। काजल पहन के ना मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और मैं थक गई हूँ यार। मैंने मेरे रूम को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड कर दिया और एडिट करके मैं आज वीडियो भी अपलोड करना चाहती हूँ। ये मुझे मज़ेदार लग रही है क्योंकि इस वीडियो में मैंने मेकअप किट में कौन से एसेंशियल रियली चाहिए उसकी वीडियो बनाई है, पर उसके साथ साथ आपको मेरे साथ मैं स्टोर में लेके गई हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग राइट। सो हस्बैंड को थोड़ा परेशान करके स्नीक पीक लेके आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एंड कल वाले व्लॉग में मैंने पिद्दी सी हॉल की थी डायनामाइट की और दो चार चीज़ें और आ गई हैं आज, वो मैं आज वाले में दिखा दूँगी आपको। पॉथो प्लांट है जो मेरा, इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग करके रखी है। देखो कितना लंबा हो गया। टन टन हैप्पी राइट। हेलो गाइस। हाँ ओके दोस्तों, हस्बैंड ने ना आई थिंक आपको ये वाला जंतर दिखाया नहीं है हमने, है ना बहू? क्या? कोयले वाला बारबेक्यू। नहीं बड़ी तगड़ी शेयर है। नहीं ये ना हमने लिया है पार्क में जाके चिल करने के लिए और हमने दो चार बार यूज भी कर लिया, घर में भी बाहर लेके जाके भी, और मैंने लगा था किसी भी दिन व्लॉग नहीं सी बनाया, पर इसका जो फ्लेवर है ना मजेदार आता है ना। दोस्तों चिल तो इन लोगों का होता है, ये इस चक्कर में मेरे सर में तो पड़ती है सवा। Oh my God, guys, I need to do a story time. Okay, so ये जो बारबेक्यू है पिद्दी कोयले वाला, ये हस्बैंड लेके आए थे जब मैंने मेरी दूसरी वैक्सीन लगवाई थी, जिस दिन मैं बीमार थी। सो ये यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे और मैं वो विंडो से देख रही थी और मैं आपको बताती हूँ कि क्या। ओके सो जिस दिन मैं वैक्सीन के बाद वाली बीमार थी थोड़ी, तो हस्बैंड लेके आए ये और उनका पहला दिन था वो, आई थिंक महीने पहले की, महीने या डेढ़ महीने पहले की गल। और इसको जलाना काफ़ी ज़्यादा हैसल है क्योंकि कोयला जलाना पड़ता है और तब मेरे हस्बैंड ने इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं किया था, कोयले जला के बेचारे पति भी मौत आज गई और मैंने लगा कि एक दो घंटे पति जलाते रहे इसको। और जब मैं नीचे आई ना तो इनके सारे बाल उतना भरे हुए ही स्वाद ना। मैं क्या प्यारी है आगे की टा तो सिर से स्वा पवा लिया। पंजाबी बोलने वाले लोगों को समझ में आएगा, लिटरली मेरे पति के जड़े बाल ना स्वा ना भर गए ही। और हमारी कहावत है पंजाबी की कि लाइक सिर स्वा पै गई कि बेकार हो गया काम, लाइक बेइज्जती हो गई खराब कि ऐदा। वो पूरा लिटरली मेरे हस्बैंड पे उस दिन वो हो गया, टुक गई वो वाली कहावत, क्योंकि इनके बाल ना वो सारी एशेस से भरे हुए थे। और पर उस दिन भाव की बनाए तो ही इन्होंने चिकन बनाया था, वेजिटेबल बनाई थी, मज़ेदार बना था सामान, पर बहुत घंटे स्पेंड किए उन्होंने तब जाके बना। आ देखो देखो फूका मारन दे देना ने सिर जवा पा ले। ओके अब हस्बैंड ने ना कोयले ले लिए हैं इंस्टेंट फ्लेमेबल कुछ अद्दा दिया, वो ऐसे जल लगाते ही जल जाते हैं, लाइक लाइटर की आग से ही जल जाते हैं। आग सेकना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में, पर मैं आग बालनी आंदी नहीं है, लाइक बिल्कुल भी नहीं आंदी, और हस्बैंड तो फिर भी आंदी है। और मैं जब इंडिया में थी ना, मेरी मम्मी मुझे आग जला के नहीं देती थी सेक करने लिए, मैंने बहुत मज़ा आता था मुझे इंडिया में। मैं सोचती थी कि मैं आग सेक दी और मैं जला जला के सारे हाथ काले, बाला जसवा,
मूड कालक, हर पास से कालक हो जाती रही तो मैं अग सेकती रही और अपना मैं पूरी बॉडी गंदी कर लेती रही। तो फिर मम्मी बाहर आके गुस्सा होती रही है कि आ की कर लिया हूं जाके ना, तो फिर नहाना पैंता रहा मैं ठंडे पानी अग सेक आओ क्योंकि मेरे हाथ काले, मूह काला, सब कुछ काला यार, थोड़ा जहा स्मैली हो जाता काम। मम्मी ने कहा कि रजाई तो आने तो पहला ना के आना वे भूकना क्यों नहीं लेंदी दोस्तों। आप बताना मुझे कि आप आग जलाने के एक्सपर्ट हैं या नहीं। मेरे पति बहुत एक्सपर्ट है, देखते हैं कितनी देर से जलाएंगे। किसी ने अपने घर में आग लगवानी हो तो बुला लेना मुझे। ये घर में भी आग लगा लेते हैं, रिश्तों में भी आग लगा लेते हैं, दोस्ती में भी आग लगा सकते हैं, हर चीज में आग लगा सकते है। ये जो गल बनी ना मेनू फेर ही बुलाई। ओके नहीं तो मैं इतनी क्यों कॉफी पीनी थी थोड़ी सी ले लो ले। तो मैं कॉफी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरी चाय मुक गई है। स्टीप टी, वैसे मुझे स्टीप टी पीना अच्छा लगता है क्योंकि कॉफी ना थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाती है, पर यार पी लेते हैं अभी। और बहुत सारे दोस्त पूछते रहते ये मशीन क्या है, ये बहुत सिंपल केक कप वाली मशीन है, ये कैरिग ब्रांड की। इसमें आप केक कप्स डालें और आपकी कॉफी आ जाती है, दैट्स इट, इजी। देन शुगर एंड क्रीम ऐड करें। If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment, I can't put this down. I'm eating watermelon. मैं और हिम्मत खा रहे हैं वाटरमेलन। छल्ली में खा ली है थोड़ी सी, ज़्यादा खाने के लिए मैं मन नहीं था तो वाटरमेलन खा ली, क्योंकि बहुत मज़ेदार लगता है यार ठंड से गर्मी से ठंडा ठंडा वाटरमेलन। वैसे तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ पर मैं थोड़ी ब्रेक लेने के लिए आ गई थी चाय पानी की, थोड़ी सी छल्ली खाई है मैंने और अब मुझे वाटरमेलन खाने के लिए मन हो गया। हस्बैंड बना रहे हैं तंदूरी स्टाइल विंग्स, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पास्ता बनाया था, वही हमारा लंच एंड डिनर होने वाला था, मैंने खा भी लिया है, उसके बाद मैं खाऊंगी नहीं। पर अब वो विंग्स बना रहे हैं तो मैंने उनके लिए बनाई है दही वाली ग्रीन चटनी, मिंट एंड कोरिएंडर। इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैं जा रही हूँ वापस अपस्टेयर्स एडिटिंग करने। ऑलराइट दोस्तों, तो सनसेट हो रहा है, सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट, और मेरा ये रूम भर चुका है रोशनी के साथ। So, मुझे लगता है कि चिकन विंग्स रेडी हो चुके हैं। मैंने ये स्कर्ट भी ले ली है क्योंकि खाने के बाद हम वॉक पे जाने वाले हैं, क्योंकि खाने के बाद हम वॉक पे जाने वाले हैं क्योंकि मेरा सिर बुरी तरह फट रहा है गाइस, लेट्स गो। यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है। गाइस माय डैड मेक डिलीशियस चिकन विंग्स। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दैट डम थिंग यू डू? You like chicken wings, Imad? Uh-huh. Why? Chicken wings are not delicious. They are just creepy. Good? Mm-hmm. Nobody started. Okay, दोस्तों वैसे तो मुझे भूख लगी नहीं है पर इन्हें खूबसूरत लग रहा है और मैरिनेशन की है मैंने और चटनी बनाई है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। पति ने इतनी मेहनत लगा के अग बाली बनाए हैं, सो यस ही वाज कॉलिंग मी, सो वी गोना ईट लिटिल बिट। बहुत ज़्यादा अच्छे। लास्ट व्लॉग में जब हम सैलमन खा रहे थे तो मैंने बताया था कि मैरिनेशन कैसी है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वो मैरिनेशन तुम डिटेल में बताया करो। यूजली हमारी एक क्लासिक मैरिनेशन है दही वाली, जो ज़्यादातर हम वही मैरिनेशन करते हैं, बेशक चिकन ब्रेस्ट हो, चिकन लेग्स हो, विंग्स हो या फिश हो, मोस्टली मेरी मैरिनेशन वैसी ही होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मैरिनेशन नहीं करती हूँ मैं। सम टाइम हम ग्रीन मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन टिक्के की, अदरवाइज नो। सो उस मैरिनेशन को मैं मेरे कुकिंग चैनल पे ऐड कर दूंगी। इट्स वेरी गुड डैडी, बोलो खाना खा रहे ना। इट्स माय मैरिनेशन। बहुत चटनी लियो लेके आओगे? नहीं चटनी ली चम्मच, बहुत बढ़िया लगनी मैरिनेशन। चटनी ली, चटनी ली चम्मच चाहिए ना, चटनी कटनी नहीं है, चटनी ली चम्मच चाहिए बोले डैडी। Daddy, give me spoon, Daddy. Yeah.
डैडी ना फ्रैंक फ्रूंक नहीं खान दी लोर प्यारी है प्यारी है तेरी मुंडी का गरम मुंडी कोले ते फ्लेवर हो रही बंदा सही है और लाइक दोस्तों बहुत अच्छी मैरिनेशन हुई है और बहुत अच्छा बनाया है पति ने कोयले पे जब फूड बनता ना तो उसका टेस्ट ही इतना अच्छा होता है मजा आ जाता है मेहनत तो लगती है आदमी की बंदे की पर कोले का फ्लेवर बहुत मजेदार होता कई लोग तो बहुत ऐसा करते हैं कि फूड कुक कर लेते हैं कोला मंगा के उसे तेल पा के ढक्कन बंद कर देते कि कोले का फ्लेवर बाकी चीजों से भी आ जाए फॉल्स फ्लेवर लकड़ी मिलती है जिसके बर्बन विस्की दे होंदे नहीं है जो ड्रम जे व्हाट डू यू कॉल देम फ्लास्क ओदे च दाल दा फ्लेवर होंदा वो लकड़ी दिया चिप्स मिलदी है असी उस लकड़ी तो बिना ही चले सानू दारू का फ्लेवर नहीं चाहिए ये तो नहीं ही चाहिए ये तो डिवाइड के जेड़े सुनन दे होने प्रेमी उन्हें नहीं चाहिए ना दारू प्रेमी नो डाबू डैडी नो डाबू तुसी एप्पल वुड यूज करो एप्पल वुड भी अही नॉर्मल लकड़ी यूज करा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा कोयले पे बनाया जाए जितनी बार भी बारबेक्यू कर रहे हैं सो दैट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कोयले वाला बारबेक्यू प्योर अबाउट तो मेरी चटनी की बेइज्जती कर रही है ना स्पाइसी है मैम केड़ी ओले चे मैं हरी मिर्चा पाई हैं 6-7 और दोस्तों समय हुआ है 12:29 मैं मेरी वीडियो को अभी भी एडिट कर रही हूँ मेरी कोशिश थी कि आज ही वीडियो को अपलोड कर दूँ पर मुझे लगता है कि 30-40 मिनट्स और लगेंगे मुझे सो आज नहीं मैं कर पाऊँगी अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए मैं मिलूँगी आपको कल सुबह और मैं नहाना भी चाहती हूँ सोने से पहले और 12:30 ऑलरेडी हो गया सो ये है मेरी बिहाइंड द सीन लाइफ एक्चुअली मैं रियली वीडियो को अपलोड करना चाहती हूँ पर मेरे से पेशेंस नहीं है कि मैं मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे लेट नाइट तक काम करना हो तो मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ अगर मैं स्किन केयर कर लूँ फिर मैं ज़्यादा देर तक काम कर सकती हूँ देन मैं जब भी सोने के लिए मन करे उठ के सोने के लिए चली जाऊँ अब मुझे स्किन केयर भी करना है वो भी एक बहुत बड़ा काम है एंड सो दैट्स दैट आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं है पर मैं जा रही हूँ सोने के लिए आई विल गेट बैक टू यू गाइस टुमारो बाय